Hello students, in this video we are going to learn a poem from your test book, English test book, Past, Present and Future by Emily Bronte. Past, Present, Future, this poem is written by Emily Bronte. So what is mean by past? Past means बीता हुआ कल and present means हमारा आज and future means हमारा आने वाला कल. ये poem एमिली ब्रॉन्टे ने एक कन्वर्सेशन के टाइप में लिखी है और ये कन्वर्सेशन पोएटेस एंड चाइल्ड के बीच में हो रही है, जिसमें पोएटेस ये चाइल्ड से क्वेश्चन कर रही है और चाइल्ड वो उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है. एंड चाइल्ड गिव्स आंसर, यानी वो चाइल्ड उस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है. सो लेट अस बिगिन विद द पोएम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द past is like to thee. The poetess asked the child, tell me, a smiling child, oh हंसने वाले बच्चे, मुझे बताओ कि ये past तेरे को कैसे लग रहा है. tell me, smiling child, what the past is like to thee. तुमको ये, thee means ये old English word है, ये past तुमको कैसे लग रहा है. And what is the past for you? तुम्हारे लिए past क्या है, कैसा है? ये जो past है, हम सब का जो पास्ट होता है, बीता हुआ कल होता है, उसमें कुछ अच्छे पल भी होते हैं और बुरे पल भी होते हैं, सुख दुख दोनों भी होते हैं. कई बार कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमको हमेशा याद आते हैं और कई बुरे पल ऐसे होते हैं, सैड मोमेंट्स होते हैं, जिसे हम कभी याद नहीं करना चाहते और हम ये सोचते हैं कि काश यह बीते पल वापस आ जाए, जो अच्छे वाले पल हो वो वापस आ जाए. लेकिन जो बीते हुए पल होते हैं वो कभी वापस नहीं आते और इसका हमको दुख होता है. सो द चाइल्ड रिप्लाइज दैट एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड. उसकी ऑटम इवनिंग कैसी है? सॉफ्ट एंड माइल्ड विद अ विंड दैट साय मॉर्नफुली. तो द चाइल्ड रिप्लाइज दैट द ऑटम दैट द पास्ट इज लाइक एन ऑटम इवनिंग. उसका पास्ट कैसे है, चाइल्ड का पास्ट कैसा है? लाइक अ ऑटम इवनिंग, सॉफ्ट एंड माइल्ड विद अ विंड दैट साय सैंडली. So the poet, the child replies that is the past is like an autumn evening. उसका past कैसा है? एक autumn evening के जैसा है. Autumn means शरद ऋतु, जिसे हम पतझड़ या पतझड़ का मौसम भी कहते हैं. और क्योंकि इस season में पत्ते झड़ते हैं और फल भी पके हुए होते हैं, फलों का भी सॉफ्ट एंड माइल्ड होते हैं वो फल, और उसकी मीठी मीठी खुशबू भी आती है और वो खुशबू वो विंड क्या करती है, सैडली मॉर्नफुली लेके जा रही है. सो द चाइल्ड रिप्लाइज दैट द पास्ट इज लाइक एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विद अ विंड दैट साय सैडली. और वो विंड क्या कर रही है, वो सॉफ्ट एंड माइल्ड को ऐसे उसके इवनिंग को लेके मॉर्नफुली लेके जा रही, सैडली लेके जा रही है. द सेकेंड स्टैंजा, टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट आवर. ए ग्रीन फ्लावरी स्प्रे वेयर द यंग बर्ड्स सिट्स गैदरिंग टू माउंट एंड फ्लाई. इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट इज आस्क्ड ए चाइल्ड व्हाट इज योर प्रेजेंट. तुम्हारा आज कैसा है, हम सब का आज कैसा है? अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो तुम्हारा आज कैसा है और तुम्हारे इस प्रेजेंट आवर में आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है, आपको बहुत मेहनत करके एक दिन आपको बहुत बड़ा बनना है. अब आज आप क्या कर रहे हो, आप ये आपकी स्ट्रेंथ ये गैदर कर रहे हो फॉर बेटर फ्यूचर. यू आर गैदरिंग स्ट्रेंथ फॉर बेटर फ्यूचर. प्रेजेंट आवर क्या है? तो प्रेजेंट आवर एक ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे है वेयर यंग बर्ड सीड्स. तो यंग बर्ड किसको यहाँ पे सिम्बोलाइज किया है? यंग बर्ड आपको, स्टूडेंट्स को सिम्बोलाइज किया है कि स्टूडेंट्स जो, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स गैदर स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं. किसी भी फ्लावरी ब्रांच पे जब यंग बर्ड बैठता है तो वो क्या करता है, वो अपना सारा का सारा पावर इकट्ठा करता है, लर्न करता है, सीखता है कि कैसे ऊंची उड़ान कैसे लिए जाए, वो सब बातें वो फ्लावरी स्प्रे पर, फ्लावरी ब्रांच पर बैठकर सीखता है. टू माउंट एंड फ्लाई अवे, तो एक दिन वह सब कुछ सीखकर सफल बनकर उड़ सके, कुछ पा सके, कुछ बन सके, इसलिए वो फ्लावरी ब्रांच पे एक अपनी फ्लावरी ब्रांच पे वो गैदर स्ट्रेंथ गैदर करके ऊंची उड़ान भरने
का सोच रहा है, ऊंचे उड़ान भरने के लिए पावर गैदर कर रहा है. सो इन द सेकंड स्टैंजा द चाइल्ड रिप्लाइज दैट द प्रेजेंट इज लाइक अ ग्रीन ब्रांच ऑफ फ्लावर ऑन विच यंग बर्ड सीड्स गैदरिंग स्ट्रेंथ टू फ्लाई अवे.